Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. यो बॉडी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. और पिछले बार एंड किए थे वीडियो को खलीफा बाग चौक पर से, तो खलीफा बाग चौक पर से स्टार्ट करते हैं. और अभी हम लोग जाने वाले हैं घंटाघर, तो चलते हैं घंटाघर. और इस रोड में आपको क्या क्या मिलेगा वो सब मैं आपको बताते हुए चलूंगा. इसका बहुत नाम था. और ये जो देख सकते हो ये द बिग शॉप, एक समय में बहुत नाम था इसका, बहुत ज्यादा नाम था. अच्छा, ये जो आप गली देख सकते हो वो वाली गली जाती है शाह मार्केट. इधर है मैक्सिमम शॉप और इसी के सामने से जो ये गली जाती है, जो पीछे गली जा रही है कचड़ा के बगल से जो गली जा रही है वो जाती है आपकी शाह मार्केट. शाह मार्केट का ये भी एक गेट कह सकते हो या रास्ता कह सकते हो. फिर उसके बाद ये जो देख रहे हो बिहार टिम्बर, पीछे जो देख रहे हो ठोकर मार दिए, चच्चा ठोकर मार देते हैं बताओ यार. ये जो पीछे देख रहे थे बिहार टिम्बर, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का आप लकड़ी अगर लेना चाहो तो लकड़ी ले सकते हो. इसी तरह अगर इस साइड देखे तो एक शाओमी का यानी कि रेडमी का यहाँ पे खुला हुआ है वह शॉप. अरे यार ये मास्क अगर लगा के बोलते हैं ना तो इसमें क्या होता है ना कि जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, वो चश्मे पे जमा होने लगता है, जो कि मेरे को उतना सही नहीं लगता. बहुत गलत लगता है, बहुत ज़्यादा गलत लगता है. यहाँ पर आपको जो कॉन्वीनियंट चूल्हा वगैरह होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा. खलीफा बाग से घंटा घर जाने वाला रास्ता, जैसे वहाँ पे अंकल जी जो हैं, अंकल जी एक चूल्हा बना रहे हैं, मतलब बाल्टी वगैरह से जो होता है, मतलब पेंट वगैरह का डब्बा वगैरह जो होता है उससे चूल्हा यहाँ पर बनाया जाता है. तो आप अगर चाहें तो चूल्हा ले सकते हैं. एक जो नॉर्मल चूल्हा होगा उसका प्राइस क्या होगा अंकल जी? जैसा चूल्हा उसका दाम का. यहाँ स्टार्टिंग कितने से होता है? स्टार्टिंग 100 रुपया है. 100 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है. 100 रुपए में लगभग कैसा आएगा चूल्हा? वो है ये छोटा वाला जो इधर देख रहे हो ना वो वाला 100 रुपए मिल जाएगा. और सबसे ज्यादा दाम अगर बताएं तो कितना तक जाता है प्राइस? अरे बराज में हमको कुंजी मिलेगा, आपको कुंजी बदला देगा तो मिल जाके लग जाएगा. यही होता है ना अंकल, भावुक हो गया ना. यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर से चूल्हा वगैरह ले सकते हो. और चूल्हा को 100 रुपए से स्टार्टिंग होगा. और एंडिंग पूछे तो अंकल जी बोलते हैं कि जितना तक मिलना चाहिए जितना पैसा दोगे उतना का बना देंगे. मतलब क्या ही कहना है यार. मेरे सामने अभी है रॉयल स्टाइल शू का शॉप है, शूज का शॉप है. इस साइड देख सकते हो पूरा शूज वगैरह है. आपको पर्स वगैरह बैग वगैरह लेना चाहो तो वो मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ सकते हो. और शूज वगैरह चाहो तो ले सकते हो. अभी यहाँ पे 10% से 40% छूट भी चल रहा है. सबसे बड़ी बात भाई स्पॉन्सर नहीं मिला, ये हम लोग ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बना रहे हैं कि अपने भागलपुर शहर में क्या कुछ है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, रॉयल शू वाला स्पॉन्सर. हाँ अगर आप चाह रहे हो कि स्पॉन्सर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो. उस केस में हम आपका डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे. अभी मेरे सामने है टेडी बियर का शॉप. ये टेडी बियर का शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जैसे टेडी डे वगैरह आता है फरवरी टाइम में, तो काफ़ी सारे आशिक लोग जो होते हैं वो लोग यहाँ पर से टेडी ले जाते हैं. देख सकते हो इस साइड जो टेडी शॉप है, तो चलते थोड़ा पास और आप लोग को कुछ टेडी दिखाते हैं. तो यहाँ पे आपको हर टाइप का टेडी मिल जाएगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा. तो सुमित को यहाँ पर एक टेडी पसंद आ गया है,
ये जो पीछे लटका हुआ है ये काफी सही टेडी है, छोटा सा है, खतरनाक लग रहा है। ये कितने का है? ये 600 रुपए में आपको टेडी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये शॉप जो है ये शॉप है मारवाड़ी पाठशाला के बगल में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे अभी इस साइड है मारवाड़ी पाठशाला, मारवाड़ी पाठशाला जहाँ आप 11th-12th यहाँ से कर सकते हो। और अब आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे कपड़ा का शॉप है, मतलब क्लोथ वगैरह का शॉप है। और इस साइड एक तरफ से मतलब यहाँ पर से पूरा लगा हुआ है फूड वगैरह का, मतलब अगर आप थको के आ रहे हो जिस दिन थोड़ा कम पैसा है तो उस दिन आप यहाँ पे आके नाश्ता वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत सही है, ठीक है, अच्छा है। और इस साइड देख सकते हो पीटर इंग्लैंड का शोरूम है। और आगे आगे एक मॉल है प्लैनेट फैशन, जहाँ पे आप जा सकते हो, छोटे बच्चों के लिए कपड़ा खरीद सकते हो, अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको तो बताना ही भूल गए, ये जो आप देख रहे हो ये पीछे वाली गली, जस्ट ये वाली, इसके अंदर है VLCC का शॉप है। हेयर कट के लिए बहुत ही सही जगह है, अंदर जाना, रॉकी भैया से मिलना, बहुत ही मस्त वाले मतलब हेयर कटिंग देते हैं, बहुत ही मस्त वाला हेयर कटिंग देते हैं, तो जाना अंदर हेयर कट करवा सकते हो, ओनली 250 रुपीज़। इस साइड है क्या है यार, मान्यवर, हाँ इस साइड है मान्यवर, उसके नीचे डेनिम वर्ल्ड और सबसे नीचे है प्लैनेट फैशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक रुकना भाई कहाँ है, बंद करें। आगे एक मंदिर है श्री साईं बाबा और हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है ना, आगे एक मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है वो, हाँ ऊपर साईं बाबा है भाई, आओ दोनों से आशीर्वाद ले लो दोनों तरह से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो चलते हैं, वो आप लोग को दिखाते हैं। तो यही है हनुमान जी का मंदिर और अभी फिलहाल तो बंद है, और ऊपर है साईं बाबा का मंदिर, देख सकते हो वो भी बंद है, तो अपने लोग गलत टाइम पे आए हैं। और सामने भगत सिंह चौक है, चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं वहाँ। और इस साइड एक बहुत ही तगड़ी वाली जलेबी मिलती है, वहाँ पे आप लोग को ले चलते हैं, जो कि राजस्थानी स्पेशल जलेबी है, माशाल्लाह क्या ही टेस्ट है, मतलब क्या ही कहना, देख सकते हो गरम 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 जलेबी निकल रही है। इस साइड समोसा वगैरह का भी शॉप है, आप चाहो तो आ सकते हो और समोसा वगैरह खा सकते हो। आगे है काफ़ी सारा फ्रूट शॉप, बट उससे पहले हम आपको दिखाएंगे ये चीज़ जो है, ये है भगत सिंह का एक स्टैचू है यहाँ पे। तो चलते हैं अपन लोग अंदर और आप लोग को दिखाते हैं अंदर चल के। अगर कुछ प्रोग्राम होता है या फिर भगत सिंह जयंती वगैरह मनाया जाता है तो यहाँ पे कैंडल वगैरह जलाया जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे है घंटाघर जो मेन चौक है, और जो घंटाघर है यानी कि जो बिल्डिंग है वो आप लोगों को दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्रूट वगैरह का भी कुछ एक शॉप लगा रहता है, तो इस साइड देख सकते हो कुछ फ्रूट वगैरह का शॉप है, इस साइड भी देख सकते हो कुछ फ्रूट वगैरह का शॉप है। ये कीवी है, अभी बहुत ही डिमांडिंग में चल रहा है, ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है हम लोग का, और शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इसका प्राइस पड़ता है 120, जिसमें 3 पीस है, और आप लोग आइए यहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ, कीवी ही नहीं, कीवी के साथ साथ कई सारे फ्रूट्स वहाँ पे मिल रहे थे, जो कि अपने सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह हम लोग पहुँच गए घूमते घूमते घंटाघर चौक पे, और आप लोग को अभी दिखाते हैं घंटाघर, जो कि मेरे पीछे है। इंस्टाग्राम पे भागलपुर वगैरह का पेज देखते होगे तो ये घंटाघर बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे। हम लोग पहुंच गए घंटाघर चौक पे, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी हम लोग ब्लैक एजेंट जाएंगे इसका हेयर कट के लिए,
क्योंकि हम इधर ही हेयर कट लिए हुए थे, VLCC में लिए हुए थे। तो अभी चलते हैं और भागलपुर के जावेद हबीब में कैसे हेयर कटिंग होती है वो आप लोग को दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।